निकिता आई हुई है, निखिल अपने ऑस्ट्रेलिया ट्रिप जा रहा है, और वो एक स्कायू हमारी खेलते हो स्कायू नो जैसे अब बोलेंगे नहीं तो और करती है वो। Hey guys, welcome back to the channel. I hope all of you guys are doing extremely well. तो आज निखिल निकल रहा है अपने ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए विद ऑस्ट्रेलिया टूरिज्म बोर्ड, एंड यू नो वॉट, आई वॉज सपोज टू गो विथ हिम एंड स्कायू वॉज सपोज टू गो विथ हिम टू बिकॉज इट वॉज एन इन्वाइट फॉर बोथ ऑफ अस, बट सैडली द टूरिज्म इज नॉट अलाउिंग अ 5-year-old के नीचे वाला बच्चा, एज का बच्चा, तो ऑफकोर्स स्कायू नहीं जा सकती। निखिल ने मुझे बोला वाई डोंट यू लीव स्काई विथ योर पेरेंट्स फॉर 5 days, यू नो, बट ऑनेस्टली मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है, बिकॉज मुझे पता है अगर मैं आज जा रही होती ना तो इस मोमेंट पे आके मैं गिव अप कर देती। मैं बोलती ना व्हाट निखिल चलेगा टूरिज्म, मुझसे गुस्सा हो रही है, जो हो रही है मैं नहीं आ रही, निखिल को पता है वो मैं करती। तो निखिल ने मुझे पहले ही कन्विंस कर दिया कि शानस तू मना कर दे बिकॉज नहीं होगा, एंड आई नो इट, सो आई हैव टू टेक सम ट्रेनिंग मे बी अ ईयर मोर एंड देन आई बी एबल टू ट्रैवल विदाउट स्कायू इफ आई गेट दी अपॉर्चुनिटी टू, लेकिन फिलहाल वो नहीं हो रहा, जा रहा है एक हफ्ते के लिए, सो ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू मिस हिम अ लॉट, बट आई एम so excited and pumped for him to do this. वो सही रहेगी ना? Uber को? मैं गाड़ी चला के लेके जाऊँ तुझे? मुझे पहुँचने टाइम। ये नहीं कि मैं तेरे को एयरपोर्ट तक छोड़ दूँ, क्योंकि घर कैसे आऊँगी मैं? निकिता चलाएगी आधा गाड़ी। ये निकिता ने सीखा क्या? सीखा रे बेटा तूने? हाँ? रिवर्स मुर्गो? मेरे को ट्रैफिक में मैन्यूवर करना नहीं आता है। कायू एज ऑलवेज इज क्लूलेस कि पापा बाहर जा रहे, पर आई एम श्योर उसको पता चल जाएगा आज रात को कि पापा बाहर जा रहे हैं। गोइंग विद डैडा, बाय बाय स्काई। स्काई को लग रहा है वो भी जा रही है पापा के साथ। तो जा रहे हैं लोग। उसको वो ही लग रहा है। उसी फ्लाइट में जाएंगे, मस्ती करेंगे। मेमोरी है ना? अरे अरे अरे, डैडी को एक मार्क दे रही है। वो बोलती डैडी को एक मार्क दे देती हूँ, देखूंगी कितने जल्दी हील होता है आने तक। स्कायू इज 100% गोइंग टू क्राई नाउ दैट डैड गोस, है ना? शी इज थिंकिंग वो भी जा रही है। वाओ, नॉट यू सी द सी ऑन आई सॉ समथिंग बिट सो बैडली वेयर शो सी यू। चलो बाय निकुडी, लव यू, मिस यू स्कायू, डैडा बाय। चलो बाय बाय, डैडा इज गोइंग, love you, okay, dada nikal wo bol rahi, wo bhi jaa rahi hu, and daddy bye bye, dada come back soon in 1 week, have a safe trip, safe journey, bye. We'll miss papa, wo bye bol rahi hai nikita ko, bye, hum log ja rahe hain, bye, hum log tino nahi ja rahe, main akela ja raha hu, bye, no no no, are nahi sky you, nikita come fast, she's gusaving inside, ऐसे ही करने वाली है अभी, देखिए बाय, सेफ ट्रिप, लव यू, ठीक है, को मैसेज मी, बाय, मिस यू अ लॉट, आई टोल्ड That is coming, roaming and coming. I चलो। knew this waterworks are going to come. Because उसको सकबर में लगा, वो एकदम खुश हो गए। I'm going for a trip to Australia. Sorry, they are not allowing you because you are creating lot of terrorism act. और 2 मिनट में स्कायू भूल भी गई कि रो रही थी। Children, I tell you, children. Skyu's new favorite. Dina and Roma. Sky. Yeah, yeah. Masi and Mama taking Skyu outside. आज का हमारा चॉइस इज द स्मॉल क्वेंट कैफे। Skyu. तो निकिता माय बेस्ट फ्रेंड जिनेल इज हियर एंड मेरा कजन मदर लैंस इज ऑलवेज इज लेट, स्टोरी ऑफ आवर लाइफ, बट आई एम ईटिंग दिस चिकन पेस्टो बेसिल राइस व्हिच लुक्स वेरी यम एंड स्कायू इज इन अ मस्ती मूड, स्कायू इज इन टोटल मस्ती मूड राइट नाउ, ही इज ट्रबलिंग अ मामा मासी एंड हर आंटी एवरीवन नाउ, सब लोग खा लो।
टुडे स्कायू ने बहुत सारी मजे किए हैं सबके साथ, लाइक बिग पीपल, सबको थका दिया. वन स्मॉल किड इज इनफ टू मेक 10 अडल्ट्स टायर्ड. सच अ फन डे. ऑफ कोर्स आई एम मिसिंग निखिल, बट सच अ फन डे. लाइक मुझे टाइम नहीं मिलता है इतना, यू नो, सब अपने दोस्तों से मिलना, अपने कजन से मिलने के लिए. सो व्हेन आई गेट द टाइम, इट्स जस्ट द बेस्ट. हू इज अ बेबी? खुद को ही बेबी बोलने लगे. व्हाट इज दैट? बेबी. या बेबी. अरे बेबी इज नॉट कमिंग. या बेबी. बेबी दैट्स स्कायू बेबी. इवन स्कायू बेबी इज बेबी. किसने भी जो गिफ्ट किया ना स्कायू को उसके बर्थडे पे, बहुत ही बुरी चीज है. पहली बात तो ये खेलती है नहीं, और जब खेलती है तो पूरा घर साफ करने के बाद ही खेलेगी बस. स्काई व्हाट्स दिस? हाँ कानों को कोई बचाओ. चलो 50 बॉल उठाओ. बॉल्स बैग अभी स्काई सब डाल रही है, थोड़े टाइम के बाद फुल गिरा देगी. कम ऑन, वेरी गुड. पुट इट इनसाइड. यस बेटा. नो, अरे नहीं. मारा मार. Thank you, Skyu. High five. Yay! उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया. डोंट नो अगर आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, पर निकिता एक्चुअली बहुत सारे महीनों के बाद मेरे घर रहने आई. द लास्ट 7-8 months शी रियली डिडंट हैव द टाइम टू कम एंड स्टे विद अस. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगा कि मैं भी बहुत अपनी लाइफ में बिजी थी, तो हम लोग को टाइम नहीं मिलता है कि हम दोनों साथ में बस अकेले घूमने जाए. एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी आर गेटिंग टाइम टू स्पेंड द डे. अभी स्कायू की नानी दीदी आई है घर पे, तो ऑफकोर्स वो स्कायू का ध्यान रखेगी, और स्कायू बहुत स्लीपी हो गई है. तो मैंने और निकिता ने प्लान बनाया कि हम कुछ घंटों के लिए सिस्टर डेट पे जाएंगे बाहर टू द मॉल, बिकॉज मुझे वहाँ पे कुछ काम भी है. सो आई लेट मी जस्ट क्विकली डू माई मेकअप एंड गेट रेडी. एंड आई कैन नॉट टेल यू, जिसकी भी बहनें हैं वो रिलेट कर सकती हैं. लोग छोटे थे तो मम्मी हमेशा अपनी बहनों से बात करती रहती थी फोन पे रोज. अभी मेरी मॉम अपना काम खत्म करके आती तो अपने बहनों को फोन लगाती थी एंड घंटों तक बात करती थी ना. लाइक क्यों अपनी बहनों को रोज कॉल करती हो यार तुम, मम्मी काम नहीं है तुमको. बट देन अभी मुझे रियलाइज हुआ कि आई डू दी एग्जैक्ट सेम. एंड दिस इज द थिंग, निखिल भी मुझे पूछता है तू रोज निकिता से बात करती, चाहे तो अपने मॉम डैड से बात ना करे तो निकिता से रोज बात करती है. एंड आई एम लाइक या आई जस्ट डोंट नो, यू फील लाइक टॉकिंग टू योर सिस्टर एवरी सिंगल डे. ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ बहन ही समझ सकती है व्हाट यू आर गोइंग थ्रू. सो आई एम जस्ट टच वुड, आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड सो ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर इन माई लाइफ. एंड इट जस्ट मेक्स इट ऑल द मोर बेटर व्हेन वी गेट टाइम टू स्पेंड टुगेदर. एंड मुझे अपना मेकअप अभी फिलहाल बहुत मिनिमल रखना है, तो मैं यूज़ कर रही हूँ अपना सबसे फेवरेट एवरी डे लाइट वेट फाउंडेशन, द मामा अर्थ ग्लो सीरम फाउंडेशन. इसमें है विटामिन सी और यह है मेड सेफ सर्टिफाइड. बहुत ही नेचुरल ग्लो देता है. सो आई जस्ट यूज़ लाइक वेरी वेरी लिटल बिट ऑफ इट. एंड बाय द वे मैं यूज़ कर रही हूँ शेड 05 बेज ग्लो, बिकॉज मेरी स्किन हल्की सी जो है टैन हो गई है. आई यूज़ टू यूज़ शेड 02 क्रेम ग्लो, लेकिन अभी आई हैव शिफ्टेड टू शेड 05. बट आई थिंक दैट दिस सूट्स माई स्किन रियली नाइस. एंड आई डोंट नो, मैंने एक ऐसा टिप देखा था कि इफ यू यूज़ वन शेड डार्कर फाउंडेशन योर स्किन लुक्स रियली नाइस. आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू, बट I just use a little darker foundations nowadays and I think it looks so nice. और अगर आप इसको देखोगे, this blends so beautifully into my skin. ऐसे लगता भी नहीं है कि मैंने मेकअप लगाया है, but it just gives this amazing everyday glow and that's the look I'm going for today. मैंने बहुत सारी बार ये foundation recommend किया है. ये बहुत ज़्यादा perfect है अगर आपको you know किसी की शादी पर जाना during winters, because winters में आपकी skin इतनी dry और flaky होती है, especially if you have dry skin. तो फिर ये foundation बहुत ही ऐसे moisturizing भी है and it gives this perfect lightweight
ब्यूटिफुल ग्लो, एकदम परफेक्ट इवन कवरेज देता है, गिव्स दिस टू टाइम्स द ग्लो ऑन योर स्किन. लाइक देखो लगाते ही मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लो कर रही है. इसमें विटामिन सी और टर्मरिक है, तो इसमें ब्राइटनिंग और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है. दिस इज सुपर लॉन्ग स्टे बिकॉज इट स्टेज अप टू 12 hours. इट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप. ये क्लिनिकली टेस्टेड है टू सूट All Indian skin tone. Plus this comes in 9 different shades. So I'm sure कि आपको आपका shade इसमें ज़रूर मिलेगा. Move on further. मैं use करने वाली हूँ अपना eye shadow palette to do my brows and a little eyeliner. That's exactly what I do for my everyday look nowadays. ये एक नया technique है, but ये काफ़ी अच्छा लगता है. I've seen a lot of K-drama stars do this and I think it looks superb. आपको ऐसे अपने ब्राउज करने हैं. उसके बाद में आई टेक द सेम आईब्रो पैलेट एंड आई विल जस्ट टेक द सेम शेड्स एंड मैं इसको ऐसे करूँगी. देखना अभी आप वैसे फेक लाइनर इल्यूजन, तो ये आपके आईज को काफ़ी डिफाइन करता है. सेम चीज़ नीचे भी करना है. ओके एंड फिर आपको सिर्फ मस्कारा लगाना है. जस्ट लुक एट दिस, दिस लुक्स अमेजिंग. आपको सिर्फ मस्कारा अपने अपर लैशेज और लोअर लैशेज पे लगाना है एंड इट लिटरली लुक्स लाइक यू हैव डन सो मच फॉर मेकअप बट यू हैव नॉट. और फिर मैं यूज़ करती हूँ एक लिप ऑयल जस्ट टू ऐड सम मोर ग्लो टू माई स्किन एंड जस्ट सम ब्लश. एंड मेरा मेकअप लुक कंप्लीट हो गया, काफ़ी सिंपल, काफ़ी क्यूट और काफ़ी क्विक. तो मेरा एवरीडे नेचुरल ग्लो कम्स विद दिस फाउंडेशन एंड इसका लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. तो मेक श्योर यू गाइस चेक इट आउट. और हमेशा आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Shannis2024 टू गेट 20% ऑफ ऑन एनी प्रोडक्ट्स ऑन मामा अर्थ. इट्स अवेलेबल ऑन अमेजॉन, नायका एंड फ्लिपकार्ट एज वेल. अ बिग थैंक यू टू मामा अर्थ टू स्पॉन्सर दिस पार्ट ऑफ द वीडियो. अपने बाल जो है कॉम्ब कर लिया है और बिकॉज हम स्कूटी से बाहर जा रहे हैं सो आई हैव टू टाई अ पोनीटेल, वरना मेरे बालों की जो है पैन बच जाएगी. लुक्स प्रिटी नाइस एंड गुड जब भी स्कूटर से बाहर जाना होता है. एंड अभी मैं सब अपना टी शर्ट चेंज करूंगी एंड आई विल बी रेडी. निकिता मुझे कब से बोल रही कितना टाइम लगा रही है, सो आई नीड टू रश. कायू को सोते सोते बहुत ज्यादा टाइम हो गया एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर स्कूटर में. मैं स्कूटर पे बैठती हूँ निकिता के साथ तो आई गेट वेरी नर्वस. फिर निकिता ने मुझे याद दिलाया कि तू भूल गई थाईलैंड में मैं फुल टाइम स्कूटर चलाती थी. आई वुड मेक योर मदर इन लॉ सेट लाइक निखिल की मम्मी भी बैठती थी. तो मैंने कहा हाँ यार मैं भूल गई. मुझे बहुत नर्वस था कि निकिता मेरे वेट को भी डरती थी. हाँ आंटी तो मम्मी तो बिल्कुल नहीं डरती थी, बट मैं ड्राइव सेफ राइड सेफ वेयर योर हेलमेट. वी हैव 2 hours बिफोर स्कायू वेक्स अप, तब तक हम सारे काम करके आ जाएंगे. एक्चुअली मैं एक अपना सामान जो है भूल गई थी मॉल में, तो वही जाके लेके आऊँगी एंड थोड़ा सा सामान मुझे शॉप करना है. सो वील कम बैक. इट्स अ सिस्टर डेट टाइम टुडे. क्या हुआ नहीं खुल रहा है, फिर से अटक गया यार ये स्कूटर का क्या करे. मैं नहीं खोलूंगा. बेस्ट वे टू कम्यूट इन मुंबई जब निखिल नहीं है और हम लोग को गाड़ी चलाना आता नहीं है. तो चलाना नहीं 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 ये अटक गया है. वी बीन ट्राइंग टू फिक्स इट ताकि ये खुले पर शायद इसका नॉब अटक गया अचानक से. तो हेलमेट बाहर नहीं आ रहा है, तभी हम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा मैकेनिक मिल जाए जो इसको ठीक करके दे. चलो 7 minutes चलो. अभी हो तो गया है टेम्पररी तो ठीक हो गया और निकिता का हेलमेट भी आ गया है. चलो और यहाँ पे 80 rupees में स्कूटर धुलता है तो निकिता को स्कूटर भी धोना है. कल धोना कल. निकिता को मैं शॉपिंग के लिए आइकिया लेके आई हूँ. शी इज लाइक व्हाई. I think I found a very nice tent. मुझे बहुत टाइम से एक टेंट चाहिए था which we can use for sky. So I've got this here. I'll take this one. There are two colors. This is goals. मतलब कि wow. पहली बात तो ये वॉल पैनलिंग इस चुम्मा, फिर जब अंदर जाएंगे लैम्प्स, there's an island and so many cabinets. Wow. मस्त है ना यार. Wow यार. This is literally goals. Literally sister date day है. And whenever I come to banana leaf, it's so special. Banana leaf restaurant मेरे लिए बहुत ज़्यादा special है. I don't know how many of you guys know it. या अगर निखिल ने कभी vlog में बोला, because I have never said it in my vlog. लेकिन जब निखिल की mom और मेरे parents पहली बार मिले थे हमारा शादी को finalize करने के लिए, that was in banana leaf Warsowa Andheri. And so banana leaf really holds a very special place in my heart. I don't think I'll ever forget it. Cheap quality rice. अभी
पूरी विद शीरा टाइप, डोसा इज गॉन। गाड़ी घर पे है, उसमें नहीं बैठेगी, पर बाहर आने के बाद दूसरों को देख के उसमें जरूर बैठना है। चलो बेटा, गिव अंकल 100 रुपीज सनसेट। सो कार दिस इज, कार दिस इज, कार कार किटू ये इसका यू है ना, इसका भी गाड़ी रिमोट कंट्रोल ही है उसका वाला, ही डजंट सिट ओनली डाउन ऑन दैट। इसका यू ये गाड़ी अच्छा लगता है, पर उसको उस गाड़ी में भी जाने का है। दैट कार चलो इसका यू राउंड खत्म हो गया है। अरे कम मिल रूम यार, दैट कार, दैट कार, कम दैट कार, कम दिस कार, दैट कार, दिस कार, ये सब चीज बोलनी नहीं बनेगी। मजे मजे, वेट आई एम टेलिंग योर डैडी, वेट स्कायू आने वाली है, नीचे खेल रही है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्विकली मेक दिस टेंट ताकि वो आके सरप्राइज हो जाए। शी लव्स टेंट्स अ लॉट, सो ये गेटिंग अलॉट डिफिकल्टी, इसको कैसे डालना है भाई। मम्मी तुम्हारे लिए नहीं है टेंट, अपनी बेटी के लिए लग्जरियस टेंट, कॉफी कोजी टेंट। एंड आई जस्ट बॉट स्कायू अ न्यू बुक बिकॉज आजकल शी इज़ ऑब्सेस्ड विद ABC, तो दिस इज़ वेरी नाइस टच एंड फील बुक, तो ये भी मैंने इसके लिए अंदर रख दिया है कि हाउ शी रिएक्ट्स। इसके सारे कलरिंग बुक्स जो है खाली हो गए, सो आई बॉट सम न्यू कलरिंग बुक्स बिकॉज शी लव्स टू कलर एवरी डे एंड एवरी वेयर, तो ये कलरिंग बुक्स भी लेके आई हूँ मैं उसके लिए। कीप दिस ऑल्सो हियर। व्हाट्स दिस स्काय? What's that? Wow! Wow! What's that? What's that? You like it? You like it? That is Skyu's house. Oh, you want to close it? Take privacy, take. Nice, right? There's a book also. Apple. Wow, Skyu. A is for apple. अभी स्कायू बस इसी में दिखेगी 12 घंटे। या आई एम टीचिंग यू एप्पल। स्कायू आर डांसिंग इनसाइड। दिस इज द बेस्ट सरप्राइज आई कुड हैव डन फॉर स्काई, क्योंकि मैंने उसके सेकंड बर्थडे पे कोई गिफ्ट नहीं दिया था, सो आई थॉट दिस वुड मेक लाइक द परफेक्ट गिफ्ट फॉर हर। व्हाट इज दैट? दिस इज एन एप्पल। हार्ट इज फुल सीइंग स्कायू सो हैप्पी, एंड लिटरली स्कायू के सॉलिड मजे होते हैं जब मासी और मम्मा उसको बाहर लेके जाते हैं घूमने के लिए। निखिल थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, तो निखिल डिसिप्लिन का रोल करता है और मैं स्काई को हल्का सा स्पॉइल करने का रोल करती हूँ। बट गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू गाइज इंजॉयड वॉचिंग इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन वेरी सून।